नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो कल की बातों का कुछ अगर असर हुआ हो और एक लक्ष्य बनाया हो कि चलो हमें तैयारी करनी है, आज मुझे थोड़ा जो दोनों सिलेबस हैं स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड, इसका एनालिसिस करना था एक साथ में, किंतु स्कूल वर्क ज़्यादा होने की वजह से आज स्कूल से लेट आए और समय नहीं मिला, इसलिए थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी मैंने थोड़ा लेट से क्लास देने का पूरा प्रयास किया है और एक अच्छी सी क्लास देते हैं आपको, फिर उसके बाद देखते हैं, कल टाइम निकाल के आपका काम जरूर करेंगे। तो एक बार स्वागत है फिर से आपका, और देखिए बहुत अच्छी क्लास होने वाली है और आराम से पढ़ना, आपने गुण पढ़े हैं। आज अपनी क्लास है काव्य दोष को लेकर। क्या है? काव्य दोष को लेकर। तो काव्य दोष, देखिए जिस प्रकार से हर मनुष्य में कुछ ना कुछ दोष होते ही हैं, गुण होते हैं तो दोष भी होंगे, उसी तरह काव्य में भी अगर गुण होते हैं तो दोष भी होंगे, ये अच्छे से मान लो। और उन दोषों की वजह से ही कई बार वो काव्य जो है वो काव्य की दृष्टि पर खरा नहीं उतरता। ठीक वैसे ही हम तैयारी सभी करते हैं, कुछ कमियां कुछ दोष की वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता, हम चूक जाते हैं, फिर हम रोते हैं आंसू बहाते हैं, लेकिन उससे हल नहीं निकलेगा। हल उसी से निकलेगा कि चलो जो कमियां रही उसे सुधार कैसे करें, वो अगर करना चाहते हो तो आज की क्लास में आपके काव्य दोष उंगलियों पे होंगे, उसके बाद कभी गलत नहीं होंगे। कईयों को अच्छे से आते हैं, जिनको नहीं आते उनके लिए बेस्ट क्लास होगी। काव्य दोष जिनके कारण, क्या कह रहे हैं, जिनके कारण काव्य के रस का आस्वादन, रस का आस्वादन, जो रसास्वादन है उसमें व्यवधान उत्पन्न हो, या उसके बोध में यानी उसकी जानकारी ज्ञान ज्ञान प्राप्त करने में आपको बाधा हो, वहां काव्य दोष होता है। आपने कोई पंक्ति पढ़ी और उस पंक्ति को पढ़ने के दौरान आपने देखा कि इसमें कुछ कमियां हैं, वहां काव्य दोष होगा। एक बीच में बात बोल देता हूं, आप में से कल मैंने कहा था कि लाइव विजन से जुड़ने वाले स्टूडेंट मैसेज करें, भाई आपके 920 मैसेज आए हुए हैं। कितने मैसेज आए हुए हैं? 920 मैसेज आए हुए हैं। अब जब आप ये क्लास स्टार्ट होगी प्रीमियर, तब मैं देखूंगा कितने लाइव आ रहे हैं। देखिए जोश एक दिन का जोश होता है, जब रिजल्ट आता है तब एक दिन का जोश होता है, लेकिन दूसरे दिन जोश ठंडा पड़ने लगता है। हम लोग सोचते हैं अरे बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। सर को कौन सा पता चल रहा है? याद रखना इस चीज को, सब पता चल रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है ना। चलिए तो कीजिए लाइव रहने की आदत बना लो, 9 बजे अपन पढ़ेंगे। आगे आने वाले समय में मैं आपको 2-2 घंटे की क्लासेस भी देने वाला हूं, तो सोच लीजिए, और वो प्योरली लाइव ही चलेंगे, ये भी सोच लेना। बढ़िया पढ़ोगे तो इतना अच्छा पढ़ाऊंगा कि याद करोगे। सबसे पहले भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में काव्य के 10 दोष बताए हैं। ये यहां पर सिर्फ आप रीडिंग है, आप देख सकते हो, गूढ़ अर्थ या अर्थहीन। देखिए केवल किसी में कोई चीज में बाधा उत्पन्न होगी ना, तो वो बाधा किस कारण उत्पन्न होगी? कोई पंक्ति है कि विस्मय है गोदावरी अमृतन के फल दे, ये पंक्ति आपने पढ़ी, इसमें आपको समझ नहीं आया, बोलो जहर में ये गोदावरी अमृत के फल दे रही है, कैसे दे रही है? आपके बाधा पड़ी। तो या तो बाधा पड़ने के पीछे रीजन होगा गूढ़ अर्थ, जो आप समझ नहीं पा रहे हो, या बाधा पड़ेगी वो शब्द अर्थहीन है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, या उसका कोई भिन्न अर्थ है, अलग अर्थ है, या वो एकार्थी शब्द है, या अभी ये कोई शब्द अलग छप गया, न्यायाप्रेत विषम विसंधि या शब्द चुत के कारण, ये वो कारण हैं सारे के सारे, ये सारे वो कारण हैं जिसके कारण कोई बाधा उत्पन्न होती है और काव्य में दोष उत्पन्न होता है। दंडी से पूछा, बोला कितने वेद है? बोला 10। भरतमुनि बोला 10। भामय कहते हैं कि नहीं साहब, काव्य दोषों की संख्या 21 है और 4 भागों में इन्हें बांट दिया गया है। भामय ने 21 को 4 भागों में बांट दिया। तो अब आप ऐसे मत कर लेना कि 21 है तो 7 3 21 4, नहीं, किसी में 5 है किसी में 7 है, इस तरह कुल 21 बताएं। फिर आता है वामन से पूछा कितने भागों में बांटा? बोला 4 भागों में, शब्दगत अर्थगत पदगत और रसगत। किसने बताया? वामन ने। वामन एक परिभाषा देते हैं और वामन की परिभाषा है गुण विपर्याय मानो, गुण विपर्याय
मानो विपर्याय विपर्यायत मानो, विपर्यायत मानो ये पूरा शब्द है, विपर्यायत मानो दोषा, ये परिभाषा है। किसकी है ये परिभाषा? ये वामन की है। तो आपको कुछ परिभाषाएं भी याद करनी पड़ेगी। गुण विपर्यायत मानो दोषा, अर्थात काव्य में प्रसाद ओज माधुरी आदि गुणों के विरोधी तत्व जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दोष कहलाते हैं। बस सिंपल सी लाइन है कि काव्य में जो गुण होते हैं, गुण कौन से होते हैं? तीन होते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। इन तीनों के जो विपरीत हैं वही क्या हैं? वही दोष हैं। ये परिभाषा है वामन की। लेकिन मम्मट ने कहा, अरे भाई नहीं, इसकी परिभाषा आप सही ढंग से दो, और सही ढंग से दोगे तो आप दोगे मुख्यार्थ। जो किसी भी गुण का या किसी भी चीज का मुख्यार्थ होता है, मुख्यार्थ का मतलब क्षति करने वाली, मुख्यार्थ हतिर दोषा, ये परिभाषा देता है मम्मट। काव्य दोष के बारे में क्या परिभाषा देते हैं? कि मुख्यार्थ हतिर दोषा। और जो वामन है वो देता है गुण विपर्यायात मानो दोषा, ये परिभाषा है दोनों। तो वामन बताता है तीन दोष, शब्द, अर्थ और रस, और एक दोष के बारे में एक परिभाषा देता है मुख्यार्थ त्रय दोषा। ये अब आई विश्वनाथ की बारी। विश्वनाथ से पूछा, आप संख्या कितनी बताओगे? बोला चार बताएंगे। दोष कितने होते हैं? बोला चार होते हैं। अच्छा, तो बोला दोष की परिभाषा बताओ। बोला हम भी बताएंगे दोष की। और दोष की परिभाषा है रसापकर्ष दोषा, रस का अपकर्ष करने वाले ही क्या कहलाते हैं? दोष कहलाते हैं। रसापकर्ष का दोषा, जो रस का अपकर्ष करने वाले। अपकर्ष का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये भी दिमाग में आ जाना चाहिए कि यूं मान लो आप श्रृंगार हास्य करुण जो भी रस हैं उनको अपकर्ष यानी नष्ट करने वाले जो हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? दोष। तो तीन परिभाषा मैंने आपको बताई, एक वामन गुण विपर्यायत मानो दोषा, मुख्यार्थ हतिर दोषा और रसापकर्ष का दोषा। तीनों परिभाषाएं तीन विद्वानों की है, समझ गए बात आप। अब बात करते हैं, विश्वनाथ ने जो चार दोष बताए, शब्द, अर्थ, रस, पद्यांश, आचार्य केशव ने काव्य दोष 22 प्रकार के बताए हैं, आप जानते हैं अच्छे से, कोई खास बात नहीं है। काव्य दोष के प्रकार, शब्द दोष क्या होते हैं? आप अलंकार पढ़ के आए हैं, अलंकार में शब्दालंकार आपने पढ़े। बोला सर बिल्कुल पढ़े हैं। शब्दालंकार में जब कोई चमत्कार किसी शब्द विशेष में होता है तो वहां शब्दालंकार होते हैं। ठीक वैसे ही जब दोष किसी शब्द विशेष में होता है तो वहां शब्द दोष होते हैं। जैसे न्यून पदत्व, श्रुति कटत्व, ये क्या होते हैं? और अधिक पदत्व, ये दोष हमेशा शब्द दोष कहलाते हैं। तो ये शब्द दोष का प्रकार है। लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ ये शब्द श्रुति कटत्व लगता है तो श्रुति कटत्व शब्द दोष है। बात खत्म हो गई, चलो आगे चलते हैं। अर्थ दोष, हमने अर्थालंकार पढ़ा है। अर्थालंकार में जब जो चमत्कार है वो किसी शब्दगत न रहकर अर्थगत रहता है तब वहां पर क्या होता है? अर्थ दोष होता है। बिल्कुल होता है सर अर्थ दोष। तो जब काव्य में या काव्य रचना में अर्थ से संबंधित दोष हो तो वहां अर्थ दोष होता है। तो जैसे क्लिष्टत्व दोष होता है, अब क्लिष्टत्व दोष में क्या होता है? अर्थ बहुत क्लिष्टता से हम निकाल पाते हैं तो हमारे सिलेबस में लगता ही है। क्लिष्टत्व दोष क्या है? अर्थ दोष है, तो यह भी पता चल गया। इसी तरह से संदिग्ध दोष है, वो हमारे सिलेबस में ही नहीं लगता, छोड़ दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और भी है इसी तरह से, जैसे काव्य रचना में विशेष प्रकार से रस नाम का कथन हो वहां रस दोष होता है। ये कोई खास नहीं है, ना अपने सिलेबस में इतने लगते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अब आइए आगे। एक क्या है? ओके ठीक है। तो अब अपने जो सिलेबस में 6 दोष मुख्य रूप से बहुत पढ़ते हैं। सबसे पहला दोष अपने सिलेबस में लगता है श्रुति कटत्व। अक्सर मैं पढ़ाता, जो पीछे पढ़ाता हूं उससे पहले मैं कुछ दो चार चीजें बताता हूं किसी चीज के बारे में, वो चीजें पकड़ लो आपका दोस्त। श्रुति कटत्व, जो सुनने में कटु लगे, जो सुनने में कठोर लगे, जिसको सुनने में मतलब ऐसा लगे कि कहना क्या चाह रहा है, क्या बोला तूने, दोबारा बोलना, वही उन लक्षणों में हमेशा श्रुति कटत्व होता है। अब ये शब्दगत है, अभी हम पढ़ के आए, मतलब कुछ शब्द विशेष ऐसा आएगा जो अजीब सा होगा। और इसकी खासियत ये भी है, यहां दो चार चीजें आप ध्यान रखो, यहां आपको
संयुक्ताक्षर अधिक मिलेंगे, यहां आपको ट यानी ट वर्ग की अधिकता मिलेगी। ठीक है, ये दो सबसे बड़े इसके गुण हैं, इस दोष के गुण हैं, यानी इससे हम पता लगा सकते हैं। जो सुनने में लगे कठोर और बुरे भी लगे, सुनने पर वर्ण कटु लगे, वहां श्रुति कटुत्व तो होता है। मूर्धन्य ट वर्ग तथा संयुक्त वर्ग साधारणतः श्रुति कटुत्व में होते हैं, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। जैसे श्रृंगार शांत करुण रसों के प्रसंगों में कठोर वर्णों का प्रयोग दोषजनक माना जाता है। आप जानते हैं दोस्तों कि आपने माधुर्य गुण पढ़ा है, माधुर्य गुण जो होता है, माधुर्य गुण किन रसों में होता है अगर आपको याद है? माधुर्य, एक तो मुझे डिस्टर्ब करने वाले बीच में बहुत करते हैं, क्या है माधुर्य? माधुर्य जो गुण होता है वो शांत में भी होता है, वो करुण में भी होता है, वो हास्य में भी होता है, और श्रृंगार तो है ही है। तो ये सारी जगह क्या है, ये सारी जगह जहां पर माधुर्य गुण होता है। तो जहां माधुर्य गुण होता है वहां पर अगर इस प्रकार के वर्ग या संयुक्ताक्षर आ जाते हैं तो उनमें दोष उत्पन्न हो जाता है। समझ गए बात आप? आगे देखिए, अब उदाहरण देखिए। कवि के कठिन तर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता विचारोत्कृष्टता। देखो धृष्टता विचारोत्कृष्टता विषयोत्कृष्टता, ये जो इस प्रकार का वर्णन आता है शब्द पढ़ते ही पता लग जाएगा ये श्रुति कटुत्व दोष है। लट की लट कत चलत, ये डप्त नहीं है, यहां पर है डारत। इस प्रकार डारत मुकुट की इच्छा या लगत, ये क्या होना चाहिए? हाँ डरतु है, डारत नहीं है, डरतु क्या होगा यहां पे? डरतु। तो लटक तो चलत डरत मुकुट की इच्छा, और चटक भरे नट मिल गयो अटक भटक बट बा। तो आपको ट ट ट ट ट दिखाई देते, आपको पता चल गया इसमें कौन सा है, श्रुति कटुत्व दोष है। पढ़ते ही पता लग गया कि ट वर्ग की अधिकता आ गई, और ट वर्ग की अधिकता से जो है वो रस में दिक्कत हुई है, और श्रृंगार रस में कमी आ गई, दोष आ गया, इसलिए इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया श्रुति कटुत्व दोष। कब कर इकटक डटी रही टिया अंगुरन टारी, तो ये जो ट ट ट का जो बार बार उपयोग हुआ है इससे हमें पता लग गया इसमें कौन सा दोष है, श्रुति कटुत्व है। शीतल छाय सांस्कृतिक सूर्य, अब ये जो शब्द है ना सांस्कृतिक, ये सांस्कृतिक है, ये च छ है, तो इस कारण से जो है ना यहां पर क्या है श्रुति कटुत्व, सुनने में जो क्या लग रहा है थोड़ा कटु लग रहा है। पावन पद वंदन करके प्रभु कब कृतार्थ मिले मुझको, ये शब्द देखो ये दोष क्या है, ये शब्दगत दोष है। कौन सा दोष है? ये शब्दगत दोष है। तो इस कारण से यहां पर मान के चलो ये कौन, इस शब्द के कारण यहां कौन सा आ गया, श्रुति कटुत्व दोष आ गया। जैसे है उर्मिल जल निश्चित तो प्राण, अब ये सुनने में बड़े कटु लगते हैं, सुनते ही हमारा दिमाग कहता है कि एक बार दोबारा बोलना, क्या कहना चाहता है, वही बात है यहां पर। तो इसलिए यहां पर श्रुति कटुत्व दोष माना जाता है। बस जो सुनने में कटु लगे, कड़वे लगे, वही जो दोष होगा वो क्या होगा, श्रुति कटुत्व दोष होगा ही होगा। ऐसे ही ग्रामत्य दोष, अब ये अलग है, इसके बारे में दिमाग यूं बिठा लो, ऐसे शब्दों का प्रयोग जो सभ्य समाज में नहीं किया जाता वही क्या होता है, ग्रामत्य दोष होता है। सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, तो एक शिष्ट समाज में प्रयुक्त न होने वाले असंस्कृतिक असंस्कृति सूचक गवानु शब्दों का, जैसे मूंड पे मुकुट धर सोहत गोपाल है, तो मूंड ये जो है ना भाई, मुंडे पे ये जो मुंडा शब्द है ये सभ्य समाज का शब्द नहीं है, समझ रहे? जैसे लिलने को देखो गर्जमान पारावार है, ये शब्द कैसे कहते हो इस द्वार पर फिर से कभी ना हूं, ये द्वार शब्द, द्वार नहीं द्वार होता है, द्वार क्या होता है, जैसे मच्चक मच्चक मत चलो, अब बताओ ये मच्चक मच्चक, ये बोलने में थोड़ा अजीब सा लगता है सर, यहाँ पे हम ये सोच लें कि श्रुति कटुत्व नहीं, श्रुति कटुत्व में ट वर्ग की अधिकता होती है, मच्छक मच्छक मत चलो ये भी थोड़ा सा अलग है। जैसे मतलब एक उदाहरण है, झटोले वाला उदाहरण है, हाँ पड़े झटोले, क्या है पड़े झटोले,
पे रहे, पड़े झटोले पे रहे, नींद न आई रात भर, इस प्रकार से उदाहरण है, आपको याद आ गया होगा, हो सकता है इसमें। अब यहां पे ये जो आ रहा है झटोले, ये चारपाई के लिए है कि पड़े झटोले पे रहे नींद न आई रात भर, समझ गए बात आप, पड़े झटोले पे रहे नींद न आई रात, इस प्रकार से शब्द है। तो ये झटोले शब्द जो है ना, ये गंवारू शब्द है, मुंड शब्द जो है गंवारू शब्द है। इसी तरह से मान लो एक आध उदाहरण और लेते हैं अपन, जैसे एक आगे जगह है क्या, नहीं नहीं यही लिखना पड़ेगा, इसको मैं मिटा देता हूं। वैसे भी पड़े झटोले पे रहे नींद ना आई रात भर, जैसे एक शब्द है हेरत हेरत, उदाहरण है हेरत हेरत हरि क्यों रस खाने, हेरत हेरत हरि क्यों रस खाने, क्यों रस खाने, हेरत हेरत हरि क्यों रस खाने, बतायो न लोग लुगाई, बतायो न लोग लुगाइन। तो ये आप जो देखो जो शब्द आया है लोग लुगाइन, ये जो लुगाई शब्द है, ये लुगाई शब्द जो है वो सभ्य समाज में प्रयुक्त होने वाला नहीं है, औरत है महिला है नारी है बोले, लुगाई शब्द जो है वो आम जगह मतलब प्रयुक्त नहीं होता है। आपने एक उदाहरण सुना होगा कि वो जो एक भेड़ वाला उदाहरण है कि मुंड मुंडाए हरी मिले तो हर कोई ले मुंडाए, मुंड मुंडाए हरी मिले तो हर कोई ले मुंडाए, और बार बार के मुंड के भेड़ न बैंक उठ जाए, मुंड मुंडाए हरी मिले तो हर कोई ले मुंडाए और बार बार के मुंड ये हर कोई बैंक उठ जाए। तो ये जो मुंड ये शब्द आता है, क्या आता है मुंड ये शब्द, ये शब्द क्या है, ये सभ्य समाज में प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है। इस तरह के सर आप उदाहरण यहां सारे लिख के समझा दो, नहीं जब आपके टेस्ट लेंगे तब इस तरह के नए और उदाहरण टेस्ट के माध्यम से बार बार देंगे, जो यहाँ पढ़ाए हुआ एक भी नहीं होगा, नए उदाहरण होंगे, वहां आप अगर पहचानने की क्षमता रखते हो तो आपको समझेंगे समझ भी आ रहा है। तो मुंड मुंडाए हरी मिले हर कोई ले मुंडाए और बार बार के मुंड ये भेड़ न बैकुंठ जाए, ये भी इसी का है। इसी तरह से एक दो उदाहरण मैं बताता हूँ, चप्पल चारू वाला उदाहरण है, वैसे तो नहीं मिलता है, वैसे ढेंडुआ शब्द है, जैसे कानन, एक उदाहरण मुझे याद आ गया, कानन में जैसे एक शब्द आता है टटिया, टटिया शब्द आता है, ये जो टटिया शब्द है ये आम बोलचाल में यूज करने वाला शब्द नहीं है। तो ये इसका मतलब देखो, अपने सिलेबस में एक दोष नहीं है, बोला कौन सा दोष नहीं है सर, अपने सिलेबस में चुप संस्कृति दोष नहीं है, अश्लील तो दोष नहीं है। इसका मतलब अगर आपको कोई ऐसा शब्द नजर आए जहां पर अश्लीलत्व लगे, ठीक है, जबकि आपको यह गंदा लगे गलत लगे, समझ जाना वहां पर कौन सा दोष होगा, वो ग्रामत्य दोष ही होगा, श्रुति। अच्छा दोष की खास बात क्या है, दोष कंफ्यूज नहीं करते, बोला सर कंफ्यूज करते हैं, मैंने आज लास्ट के अंदर बहुत कुछ एक्स्ट्रा ले रखा है, मैंने एक साथ कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, जैसे सवैया छंद में लिखे थे वैसे ही, तो आप देखना श्रुति कटु तो सुनने में कटु लगता है, ग्रामत्य ऐसा एक शब्द मिलेगा जो थोड़ा अजीब सा लगेगा, गंदा सा लगेगा, भद्दा सा लगेगा, वहां पर हमेशा ग्रामत्य दोष होगा। अब आता है अपतित्व दोष, अपतित्व यानी पारिभाषिक शब्द विशेष शब्दों के प्रयोग से काव्य में अपतित्व दोष होता है। आप अपतित्व को यूं समझ सकते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा जिसका मीनिंग जब आप निकालोगे, जिसका अर्थ जब आप निकालोगे, तो आपको अर्थ कुछ और आएगा, लेकिन उस अर्थ से उसका हिंदी अनुवाद मैच नहीं करेगा। तब आप कहोगे सर फिर क्या करें, ऐसा कौन सा, देखो सबसे पहले उदाहरण बताता हूं मैं आपको, विस्मय, क्या उदाहरण बता रहा हूं, ये उदाहरण जो देखना आप, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल दे। अब जब ये सब उदाहरण हम पढ़ते हैं, विस्मय है गोदावरी अमृतन को फल दे, तो आप इसमें देखो यहां पर ये विस्मय शब्द है, जब हम विष का अर्थ निकालते हैं तो विष का अर्थ हमारे दिमाग में क्या आता है, जहर, ठीक है, ये एक सरलार्थ निकलता है, विष का अर्थ जहर होता है, लेकिन कोई जहर से भरी हुई गोदावरी अमृत के फल कैसे दे सकती है, तब इसका पता चलता है कि भाई शास्त्रों में इस विष को क्या कहा गया है, जल भी कहा गया है, अर्थात जलमय है गोदावरी अमृतन के फल दे,
तो यहां पर अप्रतित्व दोष होता है, अर्थात जहां शास्त्र विशेष में प्रयुक्त होने वाले शब्द का कोई एक विशेष अर्थ निकलता है तब वहां यही दोष माना जाता है। जैसे जहां नहीं सामर्थ्य शोध के, क्षमा वहां निष्फल है, क्षमा वहां निष्फल है, जहां सामर्थ्य नहीं शोध के, क्षमा वहां निष्फल है। अब यहां पर ये जो शोध शब्द आया, जहां नहीं सामर्थ्य शोध के, क्षमा वहां निष्फल, अब इस शोध का जो एक सरलार्थ निकलता है वो निकलता है खोज। क्या निकलता है? खोज। लेकिन यहां पर जहां नहीं सामर्थ्य शोध की, क्षमा वहां, यहां शोध का अर्थ है बदला। क्या अर्थ है शोध का? बदला। तो यहां पर जहां जिसमें बदला लेने की क्षमता नहीं है वो क्षमा करता है। मान लो मैं और खली दोनों आपस में लड़ लें, द ग्रेट खली की बात कर रहा हूं, ठीक है, और खली ने मेरे मान लो मुक्का मार दिया। अब मार दिया तो फिर बाकी तो कुछ बचेगा ही नहीं, खैर आप जानते ही हो, लेकिन मार दिया तो मैंने कहा चल जा तुझे माफ किया। मैं माफ क्या कर रहा हूं, मेरे में उससे बदला लेने की हिम्मत ही नहीं है, खली से मैं कैसे पंगा लूंगा। तो जहां नहीं सामर्थ्य शोध की, जहां बदला लेने की क्षमता ही नहीं है आप में, वहां आप कहते हो जा मैंने तुझे माफ किया। माफ नहीं, वो कहते हाथ लगा के देख, बोले माफ किया तुझे जा, है ना। तो यहां पर शोध का अर्थ हम लोग खोज लेते हैं, लेकिन शोध का अर्थ क्या होता है? बदला। तो ये बदला कहां मिलता है अर्थ? ये मिलता है हमें शास्त्रों में। शास्त्रों में इसका अर्थ क्या मिलता है? शास्त्रों में इसका अर्थ मिलता है बदला। इसी तरह से एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि पुत्र जन्म पर स्पर्श कीन ही बहु गाय, कि पुत्र के जन्म पर बहुत सी गायों को स्पर्श किया। अब स्पर्श का मतलब तो क्या होता है? छूना होता है, कि भाई छूना। लेकिन शास्त्रों में इसका अर्थ होता है दान। शास्त्रों में इसका अर्थ क्या होता है? दान, कि पुत्र के जन्म पर बहुत सी गायों का दान किया। तो सर हमें तो ये शास्त्रों वाले अर्थ याद ही नहीं है, पता ही नहीं है कैसे। तो ऐसी कंडीशन है कि आप सबसे पहले तो जो उदाहरण आपको मैं यहां समझा रहा हूं, जैसे तीन समझा दिए, एक दो आगे और है, प्लस इसके अलावा जैसे मान लो आप लोग जैसे टेस्ट होंगे तब मैं कुछ नए नए उदाहरण दूंगा, उन टेस्टों का सॉल्यूशन कराऊंगा, तो नए नए उदाहरण समझाऊंगा। तो जितने भी 8 10 15 20 उदाहरण मैं बताऊं उनको तो कम से कम याद रखना, दावे के साथ कहता हूं पेपर में उन्हीं में से एक आपको मिल जाएगा अगर अप्रतित्व पूछा गया तो। ये पक्की बात है। तो आप जितने बताएं उतने जरूर याद रखें। जैसे आप देखिए कि हियतल बसी दुख देत है, मतलब हृदय में बसी हुई दुख देत है ये तेरे अनुभव। अब अनुभव शब्द से गड़बड़ हो जाती है कि भाई आखिर अनुभव शब्द जो है इसका अर्थ क्या होगा, और नॉर्मल अर्थ क्या है, और शास्त्रों में इसका अर्थ क्या है, तब यहां पर दिक्कत होती है। तो अब आप सोचने का प्रयास करो कि अनुभव का अर्थ क्या हो सकता है, ये बताओ। देखें अनुभव का लोक प्रचलित अर्थ तो आप सबको पता है, ये तो कोई गलत करे। रस का एक आपने पढ़ा होगा कि ये रस का एक अंग है कि नहीं? बोला सर बिल्कुल रस का एक अंग है, ठीक है। लेकिन यहां पर इसका अर्थ क्या होगा? तो यहां इसका अर्थ होता है चेष्टाएं। क्या अर्थ होता है? चेष्टाएं, कि हृदय तल बसी दुख देत है ये तेरे अनुभव। ये जो तुम्हारी जो अदाएं हैं, चेष्टाएं मतलब तुम्हारी जो अदाएं हैं, चेष्टा का मतलब अदा भी समझ सकते हो आप, ये जो तुम्हारी अदाएं हैं जब ये हृदय में बसती है तो बड़ा दुख देती है। लेकिन यहां जब ये कहता है कि दुख देत है ये तेरे अनुभव, तब थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तब क्या हो जाता है? थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। बस ये इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। इसी तरह से तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त। अब यहां एक उदाहरण आया कि तत्व ज्ञान पाकर आशय दलित हुए दलित समस्त। तो आशय का अर्थ होता है भाई तुम्हारे कहने का क्या आशय है, है ना, अर्थात तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है। लेकिन इसका यहां इस पंक्ति में अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होता है मिथ्या या वासना। मिथ्या या वासना, मतलब मिथ्या या वासना दोनों मान लो, कि तत्व ज्ञान पाकर हुए
मिथ्या वासना दलित समस्त, अर्थात मिथ्या वासना जो है वो एकदम कमजोर हो गए, मतलब नष्ट हो गए, एकदम नष्ट हो गए। तो ऐसे शब्दों को देखो, ये आप लोगों के लिए कठिन नहीं है, बल्कि हम सब के लिए कठिन है, हम सब के लिए कठिन है, ठीक है। जैसे ये उदाहरण देखो, जग जीव की जतीन छूटी तटी। अब ये यहां पर ऐसा उदाहरण आए तो सर हम इससे कैसे पता लगाएंगे इसमें अप्रतित्व दोष है? तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूं जिससे आप थोड़ा सा, ये तटी नहीं है, टट्टी है, टट्टी ऐसे होगा, ठीक है, छूटी तटी, ये है तो तटी, बाकी पंक्ति में जहां तक मैंने है टटी लिखा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। खैर मैं आपको बताता हूं, देखो ट, अब टटी से हम क्या शब्द लेते हैं, अर्थात घृणित, घृणित या त्याज्य, घृणित या ताज्य। तो सर ये तो ग्रामत्य दोष में भी चला जाएगा ना? हाँ, ये बात आपके दिमाग में अगर आई तो बिल्कुल सही आएगी, लेकिन आपको यहां पर इसका एक अर्थ होता है, ये ट इस तरह लिखा जाता है टटी, है ना, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है तपस्या, कि तपस्या करने से सभी प्रकार के यत्न छूट जाते हैं, लेकिन हमें इसका नहीं पता है। अगर मान लो ये ग्रामीण शब्द होता और यहां टटी का मतलब टटी ही होता, यानी घृणित वस्तु ही होता, तो निश्चित रूप से हम ये इसको ग्रामत्य में डाल देते, लेकिन यहां शास्त्र संबंधी अर्थ एक नया निकाला गया है, और वो नया अर्थ क्या है? वो नया अर्थ है तपस्या। क्या है? तपस्या। तो इस कारण से हमें पता चलता है कि यहां पर कुछ और अर्थ निकल रहा है। इसके अलावा जैसे मैं आपको एक बहुत बढ़िया बताता हूं कि देखा मैंने आज, देखा मैंने आज हुआ सागर संस्था विहीना। क्या हुआ? संस्था विहीना। इस तरह से उदाहरण है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि ये इस तरह का है कि देखा मैंने आज हुआ सागर संस्था विहीना। तो एक सागर जो है वो संस्था विहीन कैसे हो गया? क्या उसे नौकरी से निकाल दिया गया? तो संस्था का अर्थ तो हम कोई सभा से लेंगे, या कोई मतलब यूं मान लीजिए कि कोई कुछ मतलब संस्था, एक अंग्रेजी में तो पता है कि संस्था क्या होती है, संस्था कोई एक आयोग कह दो, आयोग कह दो क्या, अब आप समझ गए सारे, संस्था को संस्था ही कहेंगे, है ना। लेकिन यहां संस्था का अर्थ संस्था नहीं है। तो सर यहां क्या है? यहां संस्था का मतलब होता है मैंने आज देखा कि ये जो सागर है ये मर्यादा विहीन हो चुका है। देखा मैंने आज हुआ सागर संस्था विहीन, यानी ये सागर मर्यादा विहीन हो चुका है, अर्थात बड़ी बड़ी लहरें आ रही है। तो अप्रतित्व दोष होता है उसको आप देखेंगे जहां पर शास्त्र संबंधी अर्थ निकाले जाते हैं, विस्मय या गोदावरी अमृतन के फल दे, जहां नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहां निष्फल है, पुत्र जन पर स्पर्श की नहीं बहु गाय, मतलब गायों का कई दान किया, ठीक है, ये अतल बसी दुख देत है, ये तेरे अनुभव तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समझ, जग जीव जतीन की छोटी टटी, है ना, अर्थात तपस्या से सभी प्रकार के सांसारिक जीवन के यत्न जो है वो कट जाते हैं। देखा मैंने आज हुआ सागर संस्था विहीन, देखा है आज मैंने अचल हुआ जल सिंधु संस्था विहीन, इस तरह पंक्ति, ठीक है। अब आप आइए, मेरा फेवरेट दोस्त है या दोष है, वो है क्लिष्ट दोष। अब आप कहोगे सर आप आज स्पीड में पढ़ा रहे हो, अरे आज मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, रोज तो मैंने सुना है कि लोग दो की स्पीड में देखते हैं, मैं स्पीड में नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं जब कोई टॉपिक फ्लो में चल रहा होता है ना तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाए, तो इसीलिए कंटिन्यू आपका ध्यान कंसंट्रेट रहे। इसलिए क्लिष्ट दोष मेरा फेवरेट दोष है, कि सर दोष भी फेवरेट होता है बिल्कुल, कुछ अवगुण, वो कहता है ना कि बदनाम हुए तो क्या उसमें भी कुछ नाम तो होगा ही, बदनाम हुए तो क्या उसमें भी कुछ नाम तो होगा ही, वैसे ये दोष में भी एक बहुत बड़ा गुण है, जब सुनाते हैं ना ये दोष भरे वाक्य तो बड़ा आनंद है कि अजा सही, यानी जिसका अर्थ घुमा फिरा के, मतलब ये अर्थ है और इसके लिए हमें घुमा फिरा के अर्थ निकालना पड़ता है, वो होता है क्लिष्ट, क्लिष्टता से दोष निकलता है। सारंग ले सारंग गयो, सारंग बोलियो आए, सारंग सारंग से कहे, सारंग निक्षो जाए, कि सारंग ले सारंग गयो, मोर सांप को लेकर गया, सारंग ले सारंग गयो, सारंग निक्षो आए, तो तभी वहां पर बादल आ गए, अब बादल को देखकर सारंग मुख से कुछ कहे, अगर बादल को देखकर मोर अपने मुंह से कुछ कहे तो सारंग निक्षो जाए। तो यहां पे तीन अर्थ निकलते हैं, एक सांप,
दो मोर और तीसरा बादल। ऐसे ही दीपक ले दीपक चली कर दीपक की ओट, तो यहां पर भी इसका अर्थ तीन बार दीपक के तीन अर्थ निकलेंगे, तब जाकर दिया दी और दिया स्त्री और पर्दा। ठीक ऐसे ही ये उदाहरण तो बहुत फेवरेट है, अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार ताके सूत के मित ताके सूत के मित को भजिए बारंबार। अर्थात अजा यानी बकरी, बकरी की सहेली भेड़, भेड़ का शत्रु कौन हो गया, वो जो कांटा आता है अजिकन आपा बोला खेतान में बुद्धियों कांटो है ना, और उसकी जननी धरती, धरती का पालक इंद्र, उसका सुत अर्जुन, अर्जुन का मित्र कृष्ण। हे मन तू श्री कृष्ण को बार बार भज, अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार ताके सूत के मित्र को भजिए बारम बार। ये उदाहरण कितना शानदार, बहुत ही फेवरेट उदाहरण माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है सबसे फेवरेट उदाहरण माना जाता है लोगों का, बहुत अच्छा उदाहरण में से एक उदाहरण है ये। इसके अलावा चलिए आगे देखते हैं अपन, क्लिष्ट दोष के है ना, वैसे ये होता है बहुत जोरदार है क्लिष्ट दोष के। देखिए लंका पुरीपति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवती, क्या कहना चाह रहा है, लंका पुरीपति को जो भ्राता, ये तो थोड़ा कठिन आ गया या सरल है, अब आप में से कई तो मुझे बताए लिख देंगे। लंका पति उदाहरण आया कि नहीं आया, चलो आ गया, लंकापुरी पति, अर्थात देखो लंकापुरी पति जो है वो है रावण, और रावण का भाई है कुंभकर्ण, कुंभकर्ण की प्रिया है नींद नहीं आवती। अर्थात लंकापुरी पति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आती, आज तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही, कहना तो इतना ही चाहता है कि आज तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है। अब लंका का स्वामी रावण, रावण का भाई कुंभकर्ण, कुंभकर्ण की प्रिया नींद, तो तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही, इतनी बात कहने के लिए इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान देना गजब है भाई। जैसे ही आपने सुना होगा किसी को यूं कहना होगा, अरे यार मूर्ख है क्या तू, मत कर तू छोड़ दे तू, तो उसको कैसे कहो, हेम सुतापति वाहन प्रिय अपनी मती न फेर, हेम हेम सुता पति वाहन प्रिय अपनी मति न फेर। अर्थात हिमालय की पुत्री पार्वती का स्वामी शिवजी, शिवजी का वाहन बैल, शिवजी का जो वाहन प्रिय बैल है, मतलब प्रिय वाहन जो है वो है बैल, तो बैल होता है जड़ बुद्धि का प्रतीक, तो हे मूर्ख तू अपना दिमाग ज्यादा मत लगा। इसी तरह से एक उदाहरण मुझे और याद है, जब मैं बीएड में अपने मित्रों के साथ रहता तब हम चर्चाएं करते थे तब, कि हेम सुता पति ता तिलक, हेम सुता पति ता तिलक ता सुत दीजो मोए, ता सुत दीजो मोए, हेम सुता पति ता तिलक ता सुत दीजो मोए, हिमालय की पुत्री पार्वती का पति शिवजी, शिवजी के तिलक लगा हुआ है किसका, ता तिलक चंद्रमा, चांद सा बेटा देना मुझे, क्या देना, चांद सा बेटा देना। ये है वो बढ़िया उदाहरण जो मुझे सब अच्छा लगता है। अब क्या कहा है देखो, हे हर हार शिवजी का हार, हार मतलब सांप, सांप का आहार, आहार मतलब हो गया सांप वायु, सांप का आहार वायु को कहते हैं, ध्यान रखना, यह मत कर दिया था कैसे गुरु जी, सांप रो हार मतलब ऊंद्रो, ऊंद्र सांप खा जो है यह कौन हुआ है, ठीक है। हे हर हार आहार सुत, तो वायु, वायु का सुत है हनुमान जी, वायु का सुत है हनुमान जी, मैं विनत हूं तोय, हे हनुमान जी महाराज मैं आपसे विनती करता हूं, वैरिन के पति, वैरिन के पति सुतन के शीघ्र मिला दे, वैर थोड़ी होगा ये तो कुछ और ही होना चाहिए, बैरिन के पति, बिल्कुल बिल्कुल बैरिन, बैरिन होगा, बैरिन के पति, बैरिन यानी यहां बैरिन कहा गया केकई को, केकई का पति दशरथ जी, दशरथ के सुत भगवान राम, राम से शीघ्र मुझे मिला दे। हे हर हार आहार सुत, मैं विनती करूं हूं तोय, हे हर हार आहार सुत
मैं विनवत हूं तो, यहां यहां वह ही होगा, सही है, मैं विनवत हूं तो बैरिन के पति सूतन से शीघ्र मिला दे मोय। तो यहां पर होगा क्लिष्ट दोष, क्यों होगा वो आपके सामने बड़ी क्लिष्टता से इसका जो है अर्थ निकाला जाता है। हेम सुतापति वाहन प्रिय अपनी मती न फेर, ये भी कितना अच्छा है, आपने एक वो भी सुन रखा होगा, चार मिले 64 घिले, चार मिले, चार कौन मिले, चार नेत्र मिले, चार मिले 64 मिले, 20 रहे कर जोड़। जब आप जोड़ते हो हाथ, ठीक है ना, तो दो अपने जोड़े, दो सामने वाला जोड़ता है, चार मिले, दो मेरे नेत्र, दो सामने वाले, चार मिले 64 खिले, 32 32 दान, चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। तो ये भी क्लिष्ट दोष है। अगली पंक्ति में कहते हैं कि सज्जन से सज्जन मिले और हर्षित 30 करोड़। जब सज्जन से सज्जन मिलता है तो 15 करोड़ रोंगटे उसके, 15 करोड़ रोंगटे उसके, है ना, हर्षित 30 करोड़। तो इसका मतलब पता है कि अपने शरीर पर रू जो होते हैं वो 15 करोड़ होते हैं, ठीक है। इसीलिए कहने वाले कह गए कि चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले हर्षित 30 करोड़। तो यहां पर भी क्या होगा, क्लिष्टत्व दोष माना जाता है। अब आइए अक्रमत्व दोष, ये बहुत इजी है। बोला इजी कैसे है, ये इजी इस तरह से है, इसमें आप यूं मान लो जैसे हम वाक्य टॉपिक पढ़ते हैं ना हिंदी में, तो वाक्य में क्या होता है कि कर्ता कर्म क्रिया का क्रम रहना चाहिए, इसमें भी क्या होता है कई बार क्रम बिगड़ जाता है, तो वाक्य विन्यास का यानी पदों का जब क्रम बिगड़ेगा तब वहां अक्रमत्व होगा। ध्यान रखना क्रम पदों का बिगड़ेगा, क्योंकि आगे हम एक दोष पढ़ेंगे दुष्क्रमत्व, उसमें क्या होगा हम सृष्टि के नियम को बिगाड़ते हैं, लेकिन यहां क्या होगा, यहां पदों का क्रम बिगड़ेगा। जैसे जो कुछ भी हो मैं न संभालूंगा इस मधुर याद को जीवन की, अब ये पंक्ति है, अब इस पंक्ति में कमी है, क्रम बिगड़ा हुआ है, जो कुछ भी हो मैं न संभालूंगा इस जीवन की मधुर याद को, इस जीवन की मधुर याद को। तो यहां पर ये शब्द जीवन जो है वो यहां पहले आना चाहिए, या जीवन की इस मधुर याद को, आप यहां लगाओ जीवन की इस मधुर याद को, समझ गए। तो क्रम बिगड़ा, थी सर्व में अधिक मंजुल मुग्धकारी, तो सब में अधिक मंजुल मुग्धकारी थी, ऐसा होना चाहिए ना, ऐसे ही देखो, जादू भरी मुरलिका पति राधिका की, अरे पति राधिका की नहीं, राधिका पति की, राधिका पति होना चाहिए थे, घंटों लेके जननी हरि को गोद में बैठती थी, मतलब आपने नहीं पढ़ा कि है ना प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाओ, तो प्लेट में रखकर बच्चे को प्लेट में रखकर बच्चे को बिस्किट खिलाओ, तो बिस्किट प्लेट में रखकर बच्चे को खिलाओ, ऐसे होना चाहिए। यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है ना, यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, तो शुद्ध गाय का नहीं, गाय का शुद्ध घी मिलता है, वही है ये पूरा दोष आक्रमत्व, है ना। तो घंटों लेके जननी हरि को घंटों गोद में लेके बैठती थी, इस प्रकार से होना चाहिए था। ऐसे ही अमानुषी भूमि अवानरी, ये तो दुष अमानुषी, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, अमानुषी भूमि, ये तो इसका नहीं लग रहा भाई, इसको उदाहरण देखना पड़ेगा, अमानुषी भूमि वाला आ रहा है, अक्रमत्व है ना, ये किसमें आएगा, चलो एक बार नीचे बता देता हूं तब तक मैं देखता हूं। हाँ, विश्व में लीला निरंतर कर रहे, अब इसमें बताओ देखें ये जो शब्द है वो कहां पर आएगा, विश्व में लीला निरंतर कर रहे मानवी, तो यहां कहां दोष है, विश्व में निरंतर लीला कर रहे, ऊपर वाला है अमानुषी भूमि अबानरी करो, है तो इसी का, बिल्कुल सही है तो इसी का, क्योंकि यहां कोई प्रकृति का नहीं। खैर एक बार नीचे वाला बताता हूं मैं, तो विश्व में लीला निरंतर, तो यहां पे क्या होगा, विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं, अच्छा वहां आएगा क्या, हां आएगा, यहां तो लिख देता हूं मैं निरंतर, ये शब्द आया नहीं था, और ये मानवी शब्द जो है वो यहां, विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं, और अमानुषी भूमि अबानरी करो, यहां गड़बड़ है, यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले अमानुषी भूमि अबानरी करो, नहीं भूमि शब्द है ये गलत जगह आया, अमानुषी अबानरी भूमि करो ऐसे होना चाहिए, ये अबानरी भूमि अमानुषी करो,
यहां ये शब्द तो गलत गलत है, लेकिन ये आना कैसे चाहिए, ये गड़बड़ हो रहा है। ये कहां आएगा भूमि, देखते हैं आपके कमेंट बताएं। देखें, क्योंकि अटकना तो ऐसे लाजमी है कि कई बार हम भी अटक जाते हैं, कई बार हम भी, अर्थात भूमि को मनुष्य, भूमि ये यूं होना चाहिए, यहां आना चाहिए, भूमि को अमानुषी अबानरी करो। यस, मैंने कहा ना अटकेंगे जरूर, मगर विचार करेंगे तो सही निकलेंगे। भूमि को अमानुषी अबानरी करो, यानी इस भूमि को क्या करो, अमानुषी और मतलब अमानुषी शब्द भूमि से पहले नहीं आना चाहिए, भूमि से पहले नहीं आना चाहिए, भूमि को अमानुषी अबानरी करो, ये होना चाहिए था। सीता जो रघुनाथ को अमल कमल की माल और पहिराए जनुसवन की हृदयावली भूपाल, अब ये एक अलग ही उदाहरण है। इसमें क्या होगा, ये जो भूपाल शब्द, मतलब जो कहाँ गया, सीताजू रघुनाथ को अमल कमल की माल और पहिराई जनुसवन की हृदयावली भूपाल, तो यहाँ भूपाल शब्द गड़बड़ तो यही है, ये जो है ना पहिराई जनुसवन, ये जो विभक्ति है, विभक्ति जो है ये भूपाल शब्द के बाद में आनी चाहिए थी, ये जो, हाँ बिल्कुल सही है। चलिए एक सरल सा उदाहरण बताते हैं, ये यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज नहीं हुए बल्कि ये कठिन उदाहरण है। भूपाल शब्द के, भूपाल है ना, इसके बाद विभक्ति आनी चाहिए, विभक्ति पहले आ गई, क्योंकि जो विभक्तियां होती है वो भी तो मायने रखती है ना लास्ट में। जैसे मिलते नहीं है, मिलते नहीं है विश्व में वीर भीम समान के, मिलते नहीं है विश्व में वीर भीम समान के, तो यहां पे विश्व में भीम समान, मतलब यहां पर भी देखो कितना बड़ा, मतलब वीर भीम समान के, वीर भीम के समान होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, वीर भीम के समान, भीम के समान यहां गलत दे दिया। मिलते नहीं है विश्व में भीम के समान वीर, ऐसे भी हो तो ज्यादा, लेकिन वीर तो चलो कोई बात नहीं, आगे लगा दो वीर भीम के समान, तो ये तो विशेषण है, तो विशेषण तो पहले आ ही जाएगा, वीर भीम के समान। ऐसे ही कई बार आप देखोगे ऐसे लिखा होगा, दिन प्रति डूबते जाते, दिन प्रति डूबते जाते, तो यहां पर इस तरह के उदाहरण में देखो दिन प्रति नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए, प्रतिदिन होगा। ऐसे ही पति राधा बहुत जगह आता है, तो पति राधा नहीं होगा बल्कि क्या होगा, राधा पति होगा। ये कौन सा उदाहरण होता है, ये होता है सारा का सारा अक्रमत्व होता है। अब है दुष्क्रमत्व। देखो आज की क्लास थोड़ी सी स्पीड से मैंने इसलिए ली है क्योंकि आज शायद 9 तो बजने वाले हैं, अब आपको क्लास थोड़ी लेट मिलेगी 10-15 मिनट, इसलिए मैंने थोड़ी स्पीड से ली है, और वैसे दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजें दोबारा भी होगी, दोबारा कैसे, ऑब्जेक्टिव क्लासेस जब लूंगा तब मैं दोबारा और एक्सप्लेन करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे मैंने अच्छा ही समझाया है, और आप इसे अगर थोड़ा सा लगे कि जैसे फ्रेशर होते हैं ना उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो अगर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो आप इस क्लास को एक बार दोबारा जरूर देखिएगा। दुष्कर्मत्व जो लोक और शास्त्र के नियम के विरुद्ध बात होगी ना, तो वहां होगा, जैसे मारुति नंदन मारुति को मन को खगराज को वेग लजायो, मतलब संसार में सबसे तीव्र गति होती है मन की, लेकिन यह कहता है कि मारुत नंदन मारुत को, मतलब हनुमान जी ने मन का जो वेग है, मन से तेज उड़े, अरे मन तो छोड़ो खगराज यानी गरुड़ से भी तेज उड़े, तो यहां पर पहले मन की तुलना कर दी फिर गरुड़ की है, जबकि जो सबसे अच्छी, जैसे मान लो अरे तुम साइकिल तो क्या, बाइक तो क्या, गाड़ी तो क्या, हवाई जहाज से भी तेज उड़ा, इस तरह बात करें तब तो ये क्रम है। अब अगर तू यार हवाई जहाज छोड़, गाड़ी छोड़, बाइक छोड़, वो साइकिल से भी तेज दौड़ा, तो यहां तुम लोगों ने क्रम चेंज कर दिया, यहां क्या कर दिया, अपन ने क्रम चेंज कर दिया, और मतलब सृष्टि के नियम के विरुद्ध बात कर ली, तो ठीक है मन सबसे तीव्र है, तो सब पहले कि भाई वो गाड़ी, हनुमान जी गाड़ी छोड़, हवाई जहाज छोड़, इसको छोड़, उसको छोड़, पक्षी को छोड़, गरुड़ को छोड़, मन से भी तेज उड़े, तब समझ में आता, पहले मन से तुलना कर दी बाद में गरुड़ से करना, ये गलत है। नृप मोको हय दीजिए अथवा मत गजेंद्र, के हे राजा
मुझे घोड़े दे दे, तेरे पास घोड़े नहीं है, एक काम कर मुझे गजेंद्र दे दे, यानी हाथी दे दे। यार जिसके पास घोड़ा ही नहीं है वो तुम्हें हाथी देगा कहां से? पैसे दे दो 5 नहीं तो 10 ही दे दो। अगर तुम्हारे पास 5 रुपए नहीं है तो एक काम कर 10 ही दे दो। तो जिसके पास 5 ही नहीं है वो 10 कैसे देगा? क्या पता सर उसके पास बंदे हो, मैंने 5 मांगे थे, उसके पास तो 10 का नोट हो, वो कहते 5 तो नहीं है, तो भाई 10 ही ले लें, इसलिए खाली हाथ क्यों जाए? खैर आनंद की बात है, समझ गए। ऐसे और उदाहरण बताते हैं, एक एकाध उदाहरण और देख लेते हैं। तो जैसे हाँ एक है ना, अश्वदान दीजे या दीजे रजदान, यही हो गया ना, अश्वदान दीजे या दीजे रजदान। तो जिसके पास घोड़े ही नहीं है दान करने के लिए, वो तुम्हें रजदान कहां से कर देगा? अगर उसके पास घोड़े ही देने के लिए नहीं है, वही बात है कि 2 रोटी दे दो खाने के लिए, 2 रोटी नहीं है, काम करो रसमलाई है क्या आपके पास, रसमलाई दे दो। तो जब आप सृष्टि का नियम ही चेंज करोगे तब कैसे पार पड़ेगी? जैसे एक है कि मन की तो क्या चले, मन की तो क्या चले, पवन भी हार मानता है, मन की तो क्या चले, पवन भी हार मानता है गति से। कि मन की तो छोड़ो, उसकी इतनी तेज गति है कि पवन भी हार मान जाए। तो मन तो ज्यादा तेज चलने वाला है, तो मन तो 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाता है, तो पवन इतनी जल्दी अमेरिका थोड़ी पहुंचेगी। तो मन की तो क्या चले हार मानता है, मन की तो क्या चले, पवन भी हार मानता है गति से। इतनी स्पीड है कि मन साइकिल गाड़ी तो छोड़, साइकिल भी उसके आगे कुछ नहीं है। तो वही बात हो, वही से। तो जहां पर जो चीज कम मूल्य की है वो पहले, जो चीज ज्यादा मूल्य की है वो पहले मांगी जाए, फिर कम मूल्य की मांगी जाए तो चलता है। पहले आप ज्यादा मूल्य की मांग रहे हो और बाद में कहते हो चलो एक काम करो मुझे कम मूल्य की दे दे, तो सॉरी पहले कम मूल्य की मांगी और फिर उससे ज्यादा मूल्य की मांग रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी। 1000 रुपए दे, 1000 नहीं है, एक काम कर 1 लाख रुपए दे दे। अरे तो 1000 नहीं, वो 1 लाख कहां से देगा? हे राजा मुझे घोड़े दे दे तुम्हारे, हे राजा मुझे 1 किलो सोना दे दो, सोने के बिस्किट दे दो, चल एक काम कर राजा तेरा राज्य ही दे दे। ये तो सही बात है, लेकिन हे राजा तेरा राज्य दे दे, सॉरी ये सही बात कहां होगी? जिसके पास देने के लिए 1 किलो सोना नहीं है वो तुम्हें राज्य कहां से दे देगा? आप समझ गए सारे। आपके पास पड़ोस में सुबह सुबह आंटी जी आई, बेटा 1 कटोरी चीनी देना, आंटी जी चीनी तो नहीं है, एक काम कर तू मुझे 2 किलो चीनी दे दे। अरे तो 1 किलो नहीं है तो 2 किलो कहां से दे देगा? 1 कटोरी नहीं है तो 2 किलो कहां से दे देगा? पहले कोई चीज कम मांगना, कम मना कर दी तो बड़ी ज्यादा मांग लेना, ये गलत तरीका है और दुष्कर्मत्व में लोक और शास्त्र के विरुद्ध बात की जाती है। दुष्कर्मत्व यही होता है। जैसे और तो कौन सा उदाहरण है, मन किस कमल चंद्रमा देखकर खिल गया, कमल चंद्रमा देखकर खिलता है क्या? नहीं खिलता है। खैर ऐसे उदाहरण पेपर में आपको देंगे। ये है तो सही, कमल चंद्रमा को देखकर खिल गया, जबकि कमल चंद्रमा को देखकर खिलता ही नहीं है। जब शास्त्र के विरुद्ध बात की जाएगी तब वहां पर दुष्कर्मत्व दोष होगा। समझ गए बात आप? बस अब कुछ मैं पंक्तियों को आपको एक साथ बता, जैसे विश्व में मिलते नहीं है वीर भीम समान के या भीष्म समान के, तो यहां भीष्म के समान होना चाहिए था। तो ये होता है अकर्मत्व। यहां पर क्या हुआ कि विभक्तियों को गलत जगह प्रयुक्त किया गया है। मुख मयंक को देखकर विकसा मानस कंज, यहां दुष्कर्मत्व है। मुख मयंक कि चंद्रमा रूपी मतलब मुख रूपी चंद्रमा को देखकर जो कमल है वो विकसित हो गया, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। पड़े झटोले पे रहत नींद न आई रात, झटोला मतलब एक ग्रामत्य दोष आ गया। सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो, तो सृष्टि दृष्टि से आप समझ गए कि कौन सा हो गया, श्रुति कटत्व। तत्व ज्ञान पाकर तत्व ज्ञान प्रकाश सो दलिताश्य जो आही, अर्थात दलिताश्य वही बात है, आशय, आशय का मतलब तात्पर्य नहीं है बल्कि मिथ्या या वासना है, तो इसीलिए अप्रतित्व है। अही रूपपति प्रिय सदन है तेरे मुख कमनीय, यहां पर भी क्या है, अप्रतित्व दोष है, क्योंकि यहां सदन का अर्थ अही रिपु होगा,
अहि रिपु, पति प्रिय सदन है तेरे मुख कमनीय। तो यहां पर भी अप्रतित दोषों का लोक शास्त्र में विहित अर्थ अलग है। वेद ग्रह नखत अर्ध, वेद ग्रह नखत जोरी के अर्ध करत हम खाद, कि वेदों को जोड़ेंगे, वेदों को जोड़ेंगे, नक्षत्र को जोड़ेंगे, ग्रह को, इन तीनों को जोड़ेंगे तब टोटल आएगा 40। उनको जब आधे करेंगे तो आएगा 20। विष यानी विष, हे ब्रह्मा की गोपियां कहती है उद्धव से कि तुम्हारे प्रवचन जो हैं वो हमें विष के समान लग रहे हैं। और कहा कैसे, वेद नखत ग्रह जोरी अर्ध करत सोही बनत वही खात। वेद ग्रह नखत जोरी के अर्ध करत सोही बनत वही खात, अर्थात वेद नक्षत्र ग्रहों को जोड़कर जो बनेगा उसका आधा करेंगे तो बनता है विष। तुम्हारे जो है वो प्रवचन हमें जहर के समान लग रहे हैं। नृप मोको है दीजिए अथवा गजेंद्र गौड़े दो, नहीं तो आती दे दो, ये दुष्कर्मत्व है। सिलच्चा सांस्कृतिक सूर्य, ये तो देखते पता लग गया श्रुति कटुत्व है, क्योंकि इसमें क्लिष्टता है, वो क्या कहते हैं उसे, सुनने में कटु लग रहे हैं, संयुक्ताक्षर है, ट वर्ग है। हिम तल बसी दुख देत है, ये तेरे अनुभव, वही बात है अप्रतित्व दोष है। अनुभव का मतलब क्या हो गया, शारीरिक चेष्टाएं, क्या हो गया, चेष्टाएं या फिर अदाएं, ये होते हैं दोस्तों आपके दोष। अब मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी तो आज की है, लेकिन फिर भी मैं जहां तक समझता हूं आपको काफी 70-80% मैंने अच्छे से समझाया है। छोटी मोटी अगर कोई कमी रह गई हो समझाने में तो जिस दिन मैं ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा उस दिन वो कमी भी मैं दूर कर दूंगा, ठीक है। तो मैं आज ज्यादा कुछ लेक्चर नहीं दूंगा क्योंकि 9 बज चुके हैं, मुझे पता है क्लास अपलोड करनी। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।